प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मेरा नाम उषा परमार है मैं इधर ब्रैमटन से मिलिंद जी से नेबरहुड में से ही हूँ मेरे को ये जानना है कि अगर फैमिली का कोई सदस्य बॉडी से शरीर से पीड़ित हो और हर रोज हमको कहता हो कि भगवान ले ले, ले, ले तो कुछ हम कोई सहायता कोई दान पुण्य कोई मंत्र जाप से कोई हेल्प कर सकते हैं कि उनको मुक्ति जल्दी मिले मु, मु, इस जगह पर मुक्ति शब्द का थोड़ा और स्पष्ट करें क्योंकि मुक्ति शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है योगियों को भी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती है हाँ मुक्ति का मतलब शरीर से आगना क्या हाँ आप किस तरह का हे, हेल्प करना चाहते हैं कोई है क्या पापा है माँ, पापा और मेरी दादी दोनों शरीर से बहुत परेशान तो परेशान है, है बहुत परेशान है, है। और मम्मी और मेरी छोटी बहन बहुत सेवा करती है तो चारों फैमिली के मेंबर बहुत पीड़ित है अभी तो वो क्या कहते हैं हमेशा बात होती रहती है उनको वॉशरूम की पाइप लगी है डायपर्स सब पहनना पड़ता है तो नहीं अच्छा लगता है उनको कि कोई सेवा उनकी करे बट हमेशा ही बोलते हैं कि जब तबीयत पूछती हूँ तो बेटा पता नहीं कब मेरा टाइम आएगा कब आएगा तो आप तो नहीं उबती हैं सेवा करने में नहीं जब यहाँ से जाती हूँ तो कर लेती हूँ बट अभी मेरी बहन ही करती है और मम्मी मैंने क्या कहा आप सेवा करती हैं ना उनकी नहीं इधर नहीं है वो इंडिया में है अच्छा इंडिया में अच्छा अच्छा हाँ, मैं कौन नहीं इधर है नहीं है वो जब भी मौका लगता है हम जाते हैं एवरी ईयर तो वहाँ इस समय उनकी सेवा के लिए कौन है मम्मी है मेरा और मेरी बहन है छोटी फिर आप दोबारा बोल रहे हैं कि आपका प्रश्न क्या दोबारा बोल रहे हैं दोबारा मैं बोलूँ तो हाँ नहीं, मतलब उनको परेशानी है हाँ परेशानी है जैसे शरीर से दुखी है चल ना फिर ना भी बंद हो गया है जी जी और हर रोज ही जब भी बात होती है फोन पे तो यही कहते हैं कि मेरा सब फैमिली में भी कोई चला जाता है तो सब यंग यंग चले जाते हैं मैं इतना दुखी हूँ भगवान मेरा कब टाइम लगाएगा जी तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ नहीं कोई हम मैं मेरी तरह से कुछ उनको कुछ ऐसी जैसे कोई मंत्र जाप या पूजा पाठ दान पुण्य जी 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 हाँ मैं बत नहीं कोई बात नहीं आ, आपकी श्रद्धा आपके पापा मम्मी के लिए है मुझे अच्छा लगा उत्तर दे रहा हूँ आप यहाँ हैं इतनी दूर हैं तो भौतिक रूप से तो आप सेवा कर नहीं सकते हैं स्पष्ट है आप मंत्र जाप करिए चाहे जैसा यहाँ अभी पर अभी मंत्र जाप कर रहे थे ओम मंत्र वगैरह और इसमें ओम ही चलेगा शक्ति मंत्र हाँ, और विष्णु मंत्र ये नहीं सिर्फ ओम मंत्र ही चलेगा हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है और किस मंत्र से हमें कैसा काम लेना है थोड़ी भिन्नता लेकर के तो यहाँ पर ओम मंत्र चलेगा यानी ओम मंत्र का जाप करिए और जब आपके मम्मी पापा हैं तो साफ जाहिर है कि, कि आप अंदर से अंतर यानी अंतकरण से एकदम से ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ये जो मंत्र है इसका जो भी पुण्य है प्रकट हुआ बना वो मेरे मम्मी पापा यानी जिसके लिए है उनको प्राप्त हो जाए प्राप्त हो अथवा ना हो अब दूसरी तरफ प्राप्त हो अथवा ना हो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है आप मन से अंताकरण से जैसे एक बेटा अपने माँ या बाप को प्यार करता उस भाव से ठीक है जैसे एक भक्त अपने ईश्वर प्रभु को याद करता है उस भाव से संकल्प करिए कि ये, जो ये पुण्य है जो मैं मंत्र बोल रही हूँ उन्हें प्राप्त हो जाए ठीक है थैंक यू गुरु जी प्रणाम थैंक्स फॉर वॉचिंग रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब